हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लास टेंथ है जो हमारा उसका जो चैप्टर है सर्कल उसके क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे सर्कल चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो देखो हमारे पास, इससे पहले मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और हमारे पास जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें करवा चुकी हूँ आपको, और केस स्टडी के जो क्वेश्चन हैं वो भी सारे के सारे करवा चुकी हूँ आपको जो एग्जाम के अंदर आएंगे। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को शेयर जरूर किया करो, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑन पैरेलल। हमें प्रूव करना है कि डायमीटर के एंड से तो जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना सर्कल के ऊपर वो हमारे पास कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर के अंदर ना मेन हमारे पास क्या फिगर है, देखो हमने ये हमारे पास क्या ले लिया, सर्कल ले लिया इस तरीके से, ठीक है। एक को हमारे पास टेंजेंट ये वाला हो गया, एक हमारे पास टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया, आया समझ में। अब इसके नाम रख दो, जैसे मान लो हमारे पास ये ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया सी, ये डी, ठीक है। ये जो हमारे पास सेंटर है उसको हम क्या बोल देंगे ओ, ये हमारे पास क्या हो गया क्यू, और ये हमारे पास क्या हो गया आर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये फिगर बन गई। अब देखो जो हमारे पास टेंजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यानी हमारे पास देखो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने ये ले लिया कि ओ क्यू है वो हमारे पास किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, और जो ओ आर है वो हमारे पास किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ आर किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। ओ क्यू किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो एंगल है ओ क्यू ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ओ आर डी, ओ आर डी इज इक्वल टू एंगल हमारे पास हो जाएगा ओ आर सी, ओ आर सी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हमारे पास सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या आ गए, 90 डिग्री के आ गए, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये वाला एंगल यानी कि एंगल वन और एंगल टू ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा ओ आर सी के, यानी कि एंगल वन है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल टू के, ठीक है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो गया। सिमिलरली हमारे पास जो एंगल थ्री है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल थ्री है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एंगल फोर के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ से भी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब देखो अगर हमारे पास इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये जो लाइन है हमारे पास ए बी ओ किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। यानी कि हम क्या ले सकते हैं, ए बी है वो किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। और ए बी हमारे पास था क्या, टेंजेंट था इसके डायमीटर के एंड से, और सी डी भी हमारे पास क्या था, टेंजेंट था इसके डायमीटर के एंड से। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं ना डायमीटर के एंड से वो हमारे पास आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ए बी हमारे पास किसके पैरेलल आ गया, सी डी के पैरेलल आ गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन है और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू मार्क्स के अंदर पक्का पूछा जाएगा क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट ले लो आप इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कोसेंट्रिक सर्कल दे रखे, कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, एक रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल. ये मैं कह रहा है कि लार्जर सर्कल की लेंथ फाइंड आउट करो जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, वो वाली फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास ये वाला फर्स्ट बड़े वाला सर्कल हो गया. ठीक है, ये मान लो हमारे पास छोटे वाला सर्कल हो गया. अब हमारे पास ये इन दोनों का मान लो सेंटर हो गया हमारे पास. ठीक है, तो ये दे रखी है हमारे पास इस तरीके से. ठीक है, तो हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है. ये हमारे पास 5 दे रखी है, ये हमारे पास 3 दे रखी है. ठीक है, बड़े वाले की 5 दे रखी है, छोटे वाले की 3 दे रखी है, और ये भी हमारे पास क्या दे रखी है, 5 दे रखी है. ठीक है, ये हमारे पास फिगर है. अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे. पहले हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनल ए पी ओ क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर. हमें तो ए पी फाइंड आउट करनी है, तो ए पी कैसे निकलेगी, ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, बेस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमारे पास क्या दे रखा है, 5, तो 5 का स्क्वायर, ओ पी हमारे पास क्या दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, तो 25 माइनस का 9. तो यहाँ से हमारे पास ए पी का स्क्वायर कितना आ गया, ए पी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 16 के इक्वल आ गया. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो ए पी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ गई. आगे समझ में. अब यहाँ से देखो हमारे पास जो ओ पी है ना, ओ पी वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के. ठीक है, ओ पी हमारे पास ए बी के है परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है. ठीक है, तो अगर ये इसकी परपेंडिकुलर है तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2s ऑफ ए पी इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में ए पी की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 8. तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ए बी है वो हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई. आगे समझ में, ए पी हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई. कुछ नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, वहां से हमारे पास ए पी की वैल्यू आ जाएगी. ए पी की वैल्यू आने के बाद हमने क्या करना है, हमें पता है कि ओ पी है वो ए पी की क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो वो उसका क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास ए बी इक्वल टू 2s ऑफ ए पी हो गया, तो 2 इंटू में 4 हमारे पास क्या आ गया, 8. तो यहाँ से हमारे पास ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई. आगे समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है. देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to OP. Most request के ऊपर most important question है ये आपका. ठीक है, हमें प्रूफ करना है, दो टेंजेंट दे रखे हमारे पास TP and QU एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर के साथ. हमें प्रूफ करना है कि एंगल PTQ है ना वो क्या आएगा, 2s ऑफ एंगल OPQ आएगा. ठीक है, फिगर देखो इसकी. मान लो ये हमारे पास सर्कल हो गया. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट हमारे पास ये हो गया, एक टेंजेंट हमारे पास ये हो गया. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे, मान लो टी पी क्यू. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अब यहाँ से हमारे पास इसने बोला है कि इस तरीके से ये जो एंगल बन रहा है ना हमारे पास वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है. ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है यानी कि पी टी क्यू, पी टी क्यू. ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास क्या आएगा, 2s ऑफ एंगल ओ पी क्यू आएगा. ओ हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ओ, सेंटर वाला ओ पी क्यू. ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये हमारे पास इसका क्या आएगा, 2s आएगा. ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे प्रूफ. ये हमारे पास मान लो ये हो गया हमारे पास ओ पी क्यू, इसका नाम रख लो टी यहाँ पे, ये हमारे पास टी हो जाएगा, ये हमारे पास पी हो जाएगा. अब ठीक है, ठीक है, देखो पी टी क्यू यानी कि एंगल वन है मान लो, ये एंगल वन को हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2s ऑफ एंगल ओ पी क्यू. ओ पी क्यू यानी कि इस एंगल के, टू एंगल के. ठीक है, एंगल वन को 2s ऑफ एंगल टू प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखो टू प्रूफ हमारे पास क्या, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2s ऑफ एंगल ओ पी क्यू. ठीक है, अब देखो जो हमारे पास टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू आ गया. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स
आर ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है इक्वल टू टीपी हमारे पास क्योंकि इक्वल आ गया. इसका मतलब जो हमारे पास ये ट्रायंगल है टीपी क्योंकि ये हमारे पास क्या सी ट्रायंगल बन गई आइसोसेलस ट्रायंगल बन गई. ठीक है तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या होगा ट्रायंगल टीपी के वो हमारे पास कैसे होगी आइसोसेलस ट्रायंगल होगी. ठीक है तो अगर ये आइसोसेलस ट्रायंगल होगी तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे. ये इनके एंगल हमारे पास टी पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा एंगल टी क्यू टी के. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई. ठीक है अब हम इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल पी टी क्यू प्लस में एंगल पी क्यू पी और प्लस में एंगल टी पी क्यू. ठीक है इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री को थीटा मान लो आप. ठीक है एंगल 12 कुछ मान लो आपकी मर्जी होती है. ठीक है अब यहाँ से देखो टी पी क्यू किसके इक्वल है टी क्यू पी के. ये दोनों आपस में हमारे पास कैसे इक्वल है तो ये हमारे पास देखो पी टी क्यू को हमने क्या मान लिया थीटा. तो थीटा प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल कौन सा भी ले लो आप जो भी चाहिए आपको. ठीक है ट्वाइस ऑफ एंगल हमारे पास मान लो मैंने लिया टी पी क्यू. ठीक है इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री. ठीक है इस थीटा को साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एंगल टी पी क्यू का किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री 1/2 180 डिग्री माइनस का थीटा. ठीक है तो इसको हम अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा बाय 2. ठीक है तो यहाँ से हमारे पास एंगल टी पी क्यू है हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 के इक्वल आ गया. कितना समझ में आ गया. अब ये हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2 के इक्वल आ गया. थीटा हमारे पास क्या था ये वाला एंगल था बट हमें प्रूफ क्या करना है ये हमारे पास जो ओ पी क्यू एंगल है यानी कि जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल का ये एंगल हमारे पास क्या है ट्वाइस है. ठीक है ये चीज हमें प्रूफ करनी है तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से. तो देखो यहाँ से हमारे पास अब एक चीज बताओ मुझे हमें ये वाला एंगल चाहिए. ठीक है तो इस एंगल को क्या करेंगे इस बड़े वाले एंगल में से अगर इस पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल बच जाएगा. ठीक है तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा अगर ये बोले तो देखो हमारे पास क्या आएगा एंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा एंगल ओ पी टी माइनस में एंगल क्या हो जाएगा टी पी क्यू. ठीक है इस बड़े वाले एंगल में से इसको माइनस कर दिया और हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल ओ पी टी है ना वो हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री का होता है. ये वाला कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का होता है. ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में 90 डिग्री माइनस का हमारे पास क्या गया थीटा बाय 2 क्योंकि टी पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 90 डिग्री माइनस का थीटा बाय 2. तो यहाँ 90 से 90 कैंसिल हो गया हमारे पास क्या गया थीटा बाय 2 आ गया. ठीक है अब थीटा हमारे पास किसकी वैल्यू मानी थी हमने पी टी क्यू की वैल्यू मानी थी तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा देखो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या एंगल पी पी टी क्यू बाय में 2 ये 2 हमारे पास इस साइड आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू इक्वल आ जाएगा. हैंड्स प्रूफ यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू है किसके इक्वल हो जाएगा एंगल पी टी क्यू के. दोबारा बता देती हूँ एक बार कुछ नहीं किया इसके अंदर. सबसे पहले हमने इस चीज का यूज किया है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है इक्वल होती है तो टी पी क्यू हमारे पास टी क्यू के इक्वल आ गया. ठीक है टी पी क्यू टी क्यू के इक्वल आ गया. अब हमारे पास अगर दो साइड इसकी इक्वल आ गई तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. तो ये हमारे पास कैसी ट्रायंगल बन गई आइसोसेलस ट्रायंगल बन गई. ठीक है फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया तीनों एंगल का सम कितने किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के. तो यहाँ से हमारे पास एंगल ये जो है टी पी के उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 90 डिग्री माइनस का थीटा बाय 2. ठीक है उसके बाद हमने क्या किया देखो ये वाला एंगल हमारे पास क्या 90 डिग्री का है जो ओ पी टी है वो हमारे पास क्या 90 डिग्री का. ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास क्या अगर इस कंप्लीट एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा ओ पी क्यू एंगल बच जाएगा. तो इस वजह से इसको क्या किया ओ पी टी माइनस का टी पी क्यू तो 90 माइनस का 90 माइनस थीटा बाय 2 90 से 90 कैंसिल हो गया क्या बच गया हमारे पास थीटा बाय 2 2 को इस साइड ले तो वही जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वही आ जाएगा हमारे पास. आगे समझ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है आपका. ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या देखते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रोन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ. हमारे पास सेंटर ओ दे रखा है ये दोनों हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए. हमारे पास एक चीज और दे रखी है कि हमारे पास एंगल पी ए बी है
पी ए बी, ये कंप्लीट जंगल है ना, ये मेरे पास कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमें ए ओ बी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अगर समझ में, तो अब देखो एक बार बताओ मुझे, जो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो तो हमारे पास इक्वल होती है, ठीक है। तो पी ए तो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, पी बी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब टेंजेंट के साथ में और इसके साथ में रेडियस के साथ में जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास एंगल पी ए बी प्लस में एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इन दोनों का सम हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, ये वाला और प्लस में ये वाला, ठीक है। 90 डिग्री के इक्वल हो गया क्योंकि हमारे पास टेंजेंट के बीच में और रेडियाई के बीच में जो सर्कल के बीच में जो अगर बनता है वो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए बी हमारे पास कितना रखा है, 50 डिग्री, तो प्लस में एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से एंगल ओ ए बी है वो हमारे पास क्या गया, 90 माइनस का 50, यानी कि कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए बी हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री हो गया। सिमिलरली नीचे काम करेंगे, नीचे हमारे पास अगर देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है तो हमारे पास जो एंगल है पी ए बी तो पी बी ए वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ये बड़ा एंगल भी इक्वल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये बड़ा एंगल भी कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक है। अब इस एंगल का सम प्लस में इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली एंगल पी बी ए प्लस में एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 50 डिग्री प्लस में एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ओ बी ए हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा एंगल भी हमारे पास कितना आ गया, 40 डिग्री अंदर बड़ा एंगल। अब अगर हम इस ए ओ बी ट्राइंगल के अंदर क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ओ ए बी प्लस में एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस में 40 डिग्री और प्लस में 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ओ ए बी है वो भी हमारे पास 40 डिग्री आया था और जो ओ बी है वो भी हमारे पास क्या है, 40 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए ओ बी है वो हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस का 80, यानी कि एंगल ए ओ बी हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया, ये हमारे पास सोच पर आ गया। तो जो ये एंगल है ए ओ बी हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। आगे समझ में, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट का और रेडियस और सर्कल के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो सिर्फ उस चीज़ का यूज किया है। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, ए टेंजेंट सॉरी ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फाइंड द साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी, हमें ए बी की और ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास जो सर्कल की रेडियस है वो हमारे पास क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। ये हमारे पास कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, जो ए एफ है और ए ई है इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये एक्स तो ये भी एक्स हो जाएगी, ठीक है। बी डी हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, बी एफ के, और सी डी हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, ई सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू बी एफ हमारे पास क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से सी डी इज इक्वल टू ई सी, तो सी डी इज इक्वल टू ई सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, अब ये देखो कंप्लीट जो हमारे पास ए बी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए बी क्या हो जाएगी, एक्स ये है 8 ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, इसको हमने ये मान लिया। सिमिलरली हमारे पास ए सी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स प्लस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, बी। और सी हमारे पास यानी कि बी सी हमारे पास टोटल कितनी हो जाएगी, बी सी हमारे पास होगी 8 प्लस का 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा,
एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस का सी बाय में टू। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है एक्स प्लस का एट, प्लस में बी की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स प्लस का सिक्स, और प्लस में सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस का एक्स टू एक्स, टू एक्स प्लस में हमारे पास 14 प्लस का 14 28 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से ऊपर कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया x प्लस का 14 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका पैरीमीटर है वो हमारे पास क्या आ गया x प्लस का 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एस हीरोंस फॉर्मूले से एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी, और हमारे पास क्या हो जाएगा एस माइनस का सी। ठीक है, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स प्लस का 14 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 14 माइनस में ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक्स माइनस का 8 प्लस में एक्स प्लस का 14 माइनस में एक्स माइनस का 6, और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 14 माइनस का 14 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस का 14 इंटू में हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 14 माइनस का 8 6, और यहाँ पे 14 माइनस का 6 क्या हो जाएगा 8, और वहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास कितना आ गया इसका 48 x इंटू एक्स प्लस का 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 16 थीजा क्या होता है 48 होता है, तो 4 बार आ जाएगा। ठीक है, उसको चलो कोई ना आगे सोल्व कर लेंगे। अब हमारे पास ये एस की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो छोटे वाली ट्रायंगल है जैसे हमारे पास ए ओ बी है, ए ओ सी और बी ओ सी, इन तीनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे और तीनों को ऐड करके इस ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो देखो रफ कर रही हूं मैं इसको एक बार। तो अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस में एरिया ऑफ ए ओ बी, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए ओ सी, तीनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास एरिया ऑफ बी ओ सी कैसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास क्या 8 प्लस का 6 14, और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी इनकी जो रेडियस है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो कैंसिल हो गया 2 पे, तो ये हमारे पास क्या गया 28। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे हम किसका ए ओ सी का, तो 1/2 इंटू बेस, बेस इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 6, ये भी 6 है। ठीक है, तो बेस हमारे पास एक्स प्लस का 6 हो गया इंटू हाइट हमारे पास क्या होगी 4, रेडियस की हाइट से लेगी, ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या गया 2x प्लस का 12। ठीक है, सिमिलरली हम एरिया निकाल देंगे किसका रह गया ए ओ बी का। ठीक है, 1/2 इंटू में एक्स प्लस का 8 और इंटू में हमारे पास क्या है 4, कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इन तीनों का एरिया ऐड करके जो हमारे पास ये टोटल एरिया आता है इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, तो हम कैसे फर्स्ट यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी हमारे पास क्या था 48x इंटू में एक्स प्लस का 14 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 28 प्लस में 2x प्लस का 12 और प्लस में क्या हो जाएगा 2x प्लस का 16। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 28 प्लस का 28 कितना हो गया 56 प्लस में 2x प्लस का 2x हमारे पास क्या हो गया 4x हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या कॉमन निकाल लो 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस का 14, और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है 48x x प्लस का 14। अब क्या करो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। ठीक है, स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 48x x प्लस का 14, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वेयर तो 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस में 14 का स्क्वेयर। ठीक है, एक से हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 48x इज इक्वल टू 16 इंटू में x प्लस का 14। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, नहीं 3 बचेगा, 16 थ्री जब 48 होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 48x अपॉन में 16 इज
इक्वल टू में एक्स प्लस का 14, ये कट गया इससे 3 पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया 3x माइनस का x इज इक्वल टू में 14, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 14, तो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7 होगी। आज समझ में कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन बहुत आसान कर दिया मैंने, देखो पहले तो स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग करने के बाद ये चीज़ बस गई, एक चीज एक चीज कैंसिल होगी, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में थी इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। अब एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 7 आ गई तो हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा एक्स प्लस का 7, एक्स प्लस का 8 था सॉरी, तो 7 प्लस का 8 हमारे पास क्या आ गया 15, और ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा 6 प्लस का 7 के 13, ठीक है, तो हमारे पास ए बी कितना आ गया 15, और हमारे पास जो ए सी है वो हमारे पास कितना आ गया 13, ठीक है, दोनों की दोनों निकाल दिया, ए बी भी निकाल दिया और सी ए सी भी निकाल दिया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी आपको जरूर लगेगा बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 11 करवाऊंगी कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।